फ्रेंड्स, लत्तू आर एफ एस एन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टैंड कॉलर फुल बैन नेक पर हम कैसे लगाते हैं, वो आज आपको सिखाऊंगी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। वो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से इसके बाद क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए देखिए मैंने गला काट लिया है, ये 7 इंच मैंने टोटल रखा है और ये जो राउंड शेप है ये मैंने 3.5 इंच दी है और जो इसकी चौड़ाई में मैंने लिया है वो लिया है मैंने 2.75 इंच। आप 2.5 या 2.75 इंच ले सकते हो जो ऑन फोल्ड पे हम गला लेते हैं चौड़ाई में। और लंबाई में मैंने जो राउंड है वो लिया है 3.5 इंच और उससे नीचे को लिया है मैंने ये पूरा, मतलब टोटल 7 इंच मैंने तैयार रखा है गला। नीचे को खुला तभी हमारा गला भी आएगा ये। तो अब हमने देखिए जो राउंड में किया है, मतलब जो राउंड हमारा गोल जो गला है उसको हमने पूरा नापना है, यहाँ से लेके दूसरे कोने तक हमने इसको नापना है। तो ये नपाई आपकी अच्छे से होनी चाहिए तब आपका जो कॉलर है वो अच्छे से बनेगा, फिर मतलब आगे पीछे नहीं आएगा। तो इस तरह से हम पूरा राउंड में एक कोने से दूसरे कोने तक इसको नाप लेंगे पूरा। मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है ये गला अपना क्योंकि मुझे थोड़ा सा खुला चाहिए था। तो देखिए 17 इंच मेरा आया है पूरा टोटल, वैसे 16 इंच ही तैयार होना चाहिए लेकिन मैंने 17 इंच रखा है ये कॉलर। थोड़ा सा खुला अगर पहनना चाहते हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। तो देखिए मैंने बिर्थ में यहाँ पर बुक रूम जो है 3.5 इंच ली है और अब हमने लंबाई में लेनी है ये पूरी टोटल, जितना आपका कॉलर आया है उतना आपने लेना है। तो वैसे मैं 9 इंच ले रही हूँ यहाँ पर और इसको फोल्ड कर दूंगी तो 18 इंच हो जाएगा ये। 1 इंच एक्स्ट्रा हमने लेनी है बुक रूम पर क्योंकि अभी हमने सेब वगैरह देनी होती है, तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ही काटिएगा इसको। तो देखिए ये मेरी अभी 1 इंच का ज़्यादा काट ली मैंने, 9.5 मैंने ले ली ये। वैसे आप 9 इंच भी रख सकते हो क्योंकि 17 इंच है हमारा टोटल जो गला तैयार है, तो आधे पे हम ये ले रहे हैं। ऑन फोल्ड पे मैंने ये बुक रूम रखी है। सबसे पहले तो हम इसको देखिए सीधा कर लेंगे बिल्कुल, यहाँ से मैं लाइन लगा रही हूँ ताकि मेरी जो बुक रूम है वो बिल्कुल सीधी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर लाइन लगा रही हूँ। तो अब हम यहाँ से देखिए जितना हमारा गला तैयार आया है उसका आधा हम लेंगे। तो गला तैयार है, देखिए जो कॉलर है उसकी लेंथ है हमारी 17 इंच, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 8.5 इंच ऑन फोल्ड पे और यहाँ से ऊपर अब हम 1.5 इंच लेंगे। अगर आप उससे मतलब चौड़ाई कम रखना चाहते हो तो आप 1.25 इंच भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच ले रही हूँ, 1.5 इंच का निशान हमने यहाँ तक आगे तक लगा लेना है और सीधी लाइन से इसको भी मिला लेना है। फिर नीचे से तो मिला लिया है, ऊपर से भी हमने सीधी लाइन से इसको ज्वाइन कर लेना है। और इसका देखिए जो 8.5 इंच आया ना उसका भी हमने 1/2 इंच करना है, तो 4.25 मेरा 8.5 इंच का आ गया। तो वहाँ पर देखिए मैंने नीचे निशान लगा दिया है और अब हमने ये जो 4.25 इंच है उसको आगे जो ऊपर हमने लेंथ नापी थी ना 8.5 इंच उसके साथ हमने इस तरह से कर्व में मिला देना है और इसको अब हमने कट करना है। इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे ऊपर तक। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर समझने में कुछ भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके जवाब दूंगी। तो ये देखिए कर्व में हमने काट लिया, अब हम काटेंगे ऊपर की तरफ। अब देखिए अब जो गोलाई यहाँ से पहले 1.5 इंच मैंने जो चौड़ाई है वो रख ली है, 1.5 इंच का हम निशान लगा लेंगे। जैसे हमने राउंड शेप दी है ना उसी तरह से हम 1.5 इंच इसको नापेंगे पूरा आगे तक, 1.5 इंच का निशान लगा लिया। तो ये देखिए ये हमने निशान लगा लिया। अब जो हमारी यहाँ से भी ऊपर से हमने 8.5 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि 17 इंच है तो इसका आधा हमने लेना है, इसलिए मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। और यहाँ से भी गोलाई में हमने ये 8.5 इंच नापना है, जितना भी एक्स्ट्रा आएगा हमारा उसको हमने वहाँ तक ही, मतलब यहाँ से देखिए दूसरे कोने से स्टार्ट कीजिएगा, 8.5 इंच पर आपने निशान लगाना है। मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको हम पूरा लेंगे 8.5 इंच, जितना भी आपका आ रहा है। 1/2 इंच मेरा एक्स्ट्रा आ रहा था तो 1/2 इंच पे देखिए मैंने यहाँ पर रिड्यूस कर लिया, कम कर लिया। तो 8.5 इंच आपका भी पूरा आना चाहिए राउंड में भी, ताकि हमारा कॉलर इससे ना बड़ा होगा ना छोटा होगा बिल्कुल इक्वल आपका आएगा। ये देखिए अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, पूरा 8.5 इंच मेरा अभी आ रहा है। तो अब हमने इसको मिला लेना है और यहाँ से देखिए इस तरह से गोलाई में शेप देनी है और ऊपर से यहाँ से हमने राउंड में अब शेप देनी है, नीचे की तरफ को इस तरह से शेप आपने दे लेनी है राउंड में। या आप चाहे तो 1/2 इंच का निशान ऊपर की तरफ लगा के उसको राउंड में शेप दे सकते हो और इसको अब हमने यूं शेप में कट कर लेना है राउंड शेप में।
इस तरह से देखिए मैंने कट कर लिया और ये कॉलर हमारा बहुत ही अच्छा बनता है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, आप इस तरह से बना करके देखिएगा। अब हमने डबल लेयर में कपड़ा बिछा लेना है और जो उल्टी तरफ है वो ऊपर की तरफ आपने रखना है, जो कपड़े की अपोजिट साइड आपने ऊपर ऊपर की तरफ रखना है। और इसमें देखिए पहले हमने, अगर आपकी पेस्टिंग वाली है तो वैसे चिपका लीजिए, अगर पेस्टिंग वाली नहीं है तो आपने सेंटर से इसमें सिलाई लगा लेनी है। बीचों बीच से मेरी पेस्टिंग वाली नहीं है तो मैं बीचों बीच से इसके सिलाई लगाऊंगी। पहले डबल कपड़ा आपने नीचे रखना है, ये ध्यान रखिए। अब हमने इसको सेंटर से सिलाई लगा लेनी है, तो मैं सेंटर से पहले इसको सिलाई लगा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो सेंटर से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने यहाँ से देखिए इसके बिल्कुल बराबर, मतलब बुकरम के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये जो मेरा पेस्टिंग वाली नहीं है तो चिपका नहीं है, जब हम सिलाई बीच की निकालेंगे तो ये फिर निकल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बुकरम के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसको बिल्कुल आराम से आपने काम करना है ताकि इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर शेप ख़राब हो गई तो फिर आपका गला अच्छे से नहीं बनेगा। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, हल्की सी आपको दिख रही होगी, बुकरम के ऊपर मैंने लगाई है ताकि हमारी ये अच्छे से मतलब शेप इसकी बनी रहे। और इसको अब हमने आधा आधा इंच कट कर लेना है, बाहर से आधा इंच कपड़ा ही छोड़ना है और शेप के अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर लेना है। नीचे से भी हमने इसको आधा इंच कट कर लेना है, आधा इंच कपड़ा ही आपने छोड़ना है, बाकी आपने कट कर लेना है शेप के अकॉर्डिंग। जैसे हमारी बुकरम में नेक की शेप आई है वैसे ही हम इसको काट लेंगे कॉलर की शेप, और साथ में छोटे छोटे नॉच दे लेंगे ऊपर से, इससे हमारा आसानी से ये, ताकि हम जब पलटेंगे इसको तो हमारी शेप इसकी आसानी से सीधी हो सके, इसकी शेप अच्छे से बनी रहे जो कॉलर है हमारा स्टैंड कॉलर। तो देखिए अब हमने इसको बाहर दूसरी तरफ मोड़ना है और इसको अच्छे से प्रेस कर लेनी है। तो अब हमने इसको ज्वाइन करना है शर्ट के ऊपर, तो उसके लिए देखिए इस तरह से हम कपड़े को पकड़ेंगे, शर्ट को, गले को, और इसका सेंटर जो देखिए पीछे का पार्ट है बिल्कुल आपका बराबर, कंधे भी आपने बिल्कुल बराबर रखने हैं, और सेंटर में एक नॉच लगाना है, इसके सेंटर से ही हम ज्वाइन करेंगे एक साइड को और फिर दूसरी साइड को। तो आप देखिए किस तरह से करेंगे ज्वाइन, पहले एक बार आप नाप लीजिए इसको कि आपका कॉलर कहीं कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर कम ज़्यादा हो जाए तो फिर फिनिशिंग आपकी अच्छी नहीं आती, तो पहले ही आप इसलिए नाप लीजिए इसको, हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए आपका कॉलर, तो इसीलिए आप इसको पहले अच्छे से नाप लीजिए आगे तक, फिर इससे पता चल जाता है कि हमारा कॉलर कहीं बड़ा तो नहीं है। तो मेरा कॉलर यहाँ पर बिल्कुल पूरा आ रहा है, क्योंकि अगर आपने ऐसे इस तरह से कट किया होगा तो आपका कॉलर पूरा आएगा, तो मैंने इसको प्रेस भी कर लिया अच्छे से। अब इसका भी हम सेंटर निकालेंगे देखिए, और इसके सेंटर में भी एक नॉच लगाएंगे नीचे, प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको कट लगा लिया सेंटर से। अब जो सेंटर हमारा है, जो हमने शर्ट में गले का सेंटर निकाला था, उस सेंटर से हमने ये सेंटर मिलाना है इस तरह से देखिए, और राइट साइड हमारी राइट साइड से राइट साइड मिलानी है, और ये देखिए अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सेंटर से हम ज्वाइन करेंगे एक तरफ को, फिर सेंटर से ही दूसरी तरफ को ज्वाइन करेंगे, पहले हम एक तरफ का ज्वाइन कर लेंगे फिर हम दूसरी तरफ का ज्वाइन करेंगे। तो मैं पहले एक तरफ का लगा लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से टैटून के जो बुकरूम है उसके बराबर हम सिलाई लगाएंगे, उससे बाहर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे और उसके बुकरूम के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे कॉलर की जो शेप है वो हमारी ख़राब हो जाती है, तो कॉलर की शेप हमने ख़राब नहीं करनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल कितने अच्छे से लगी है, और ये देखिए कॉलर मेरा बिल्कुल भी बड़ा या घटा नहीं है। अब दूसरी तरफ को भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, तो दूसरी तरफ मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ आगे कि किस तरह से दिखेगा देखिए। और इस तरह से कॉलर लगा के देखिएगा आप, बहुत ही अच्छा आपका कॉलर लगेगा। ये देखिए मैंने लगा लिया है पूरा, ये देखिए दोनों तरफ से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। अब जो कपड़ा हमारा बाहर की तरफ निकला है देखिए, वो भी हमने अंदर डालना है, तो इसके लिए देखिए आपने कपड़े को यूं मोड़ना है और जो नीचे वाला कपड़ा है उसको भी दबाते हुए अंदर हमने अंदर की तरफ करना है, और ऊपर इसके ऊपर से अब सिलाई देनी है, इसके ऊपर से अब हम सिलाई देंगे एक, तो फिर आपकी ये बहुत ही अच्छा बनेगा कॉलर, मतलब आपको पता चल जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से आपने सिलाई लगानी है
कपड़ा आपको कुछ भी बाहर की तरफ नहीं बचना चाहिए, आपने ध्यान रखना है अंदर की तरफ आपको कपड़ा सारा मोड़ देना है। तो इस तरह से पूरी सिलाई मैं लगा करके आपको दिखाती हूँ। फिर तो देखिए मैंने सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है और मेरा कॉलर बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसके ऊपर हुक भी लगा सकते हो। आई होप आपको पसंद आया होगा और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।